खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ठीक है, और पहली बार चार फाल जो खोलते हैं, वो सबसे पहली बार जो फाल खोलते हैं उसमें शयातिनों से मदद ली जाती है, अल्लाह से नहीं। ठीक है, अब शयातिन से मदद लेना हराम है। अब मैं जो करता हूँ, देखो कभी भी याद रखो, फाल नहीं खोलता। ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, सामने वाले इंसान से कुछ असरात हुए, कुछ भी हुआ तो सवाल जवाब करता हूँ। जी जी। उसके बाद मैं इस्तखारा करता हूँ। अब इस्तखारा जो है वो नबी का सिखाया हुआ सुन्नत तरीका है। सही बात है, सही बात है। किसी आप किसी भी आमिल के पास जाओ, कोई मुफ्ती के पास जाओ, इनकार नहीं कर सकते आप इसे। जी बाबा जी, इसका सुन्नत तरीका है। ठीक है, मैं इस्तखारे के अलावा कोई दूसरी चीज से मदद नहीं देता। अब मानना है वो आपकी मर्जी, नहीं मानना है तो व्यास। नहीं नहीं, आप बोल रहे सही बात है, आपकी बात पे 100% है। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ 2 मिनट बात के लिए। मैं भी किसी को पैसे दिया, मैं बोल रहा ना भाई, उल्लू के बाल ला बोला, नाखून ला बोला, कई जनों को। तो आप बोल रहे मेरे को ये इस्लाम में, मैं बोल रहा हूँ इस्लाम में है ये पाल खोलना, ये हाल हराम है, जायज नहीं, हराम है, हराम है। फिर आप ये काम करके लोगों को दीवाना बना के हजारों रुपए टेक रहे, फेसबुक पे ऐटान आ रहे, फिर 4-5 जनों को ठहर के सीखा मार रहा, पीछे से पानी मार रहा उन्हें। तो अपने इस्लाम में है ये, सोशल मीडिया पे डाल के करके आप पेज पे, आपके पेज पे है ना पूरा ये। हाँ ठीक है, सवाल तो बहुत अच्छा करिए आप। तो मैं ये बात पूछना है, मेरे को कंफर्म करना है। आराम से पूछिए मुझे, आराम से। तो फिर आप लोग क्या है आजकल के आमिना बैठे हुए है, जैसा मैं बोला मेरी बीवी मेरे को सजा देती, आप बोल रहे थोड़ा बचना मुश्किल है, मेरे को ट्रिपल तलाक में बोल रहे आप। हाँ, फिर मेरे वाइफ का नाम लिए, फिर उनके वाइफ के अम्मा बाबा का नाम लिए, फिर मेरे अम्मा बाबा का नाम लिया आप। फिर ऐसा लोगों को गुमराह कर रहे, लोग पैसे डाल के बाबा के पीछे लाखों करोड़ों रुपए डाल के कई औरतों को ऐट रहे। मेरा मरद भाग गया, मेरी जोरू भाग गई, मेरी सास ससाई कमर में ताबीज दे रहे, तस्वीरियां लिख रही है। तो अपने इस्लाम में ये जायज है? नहीं, जायज करना में भी जायज नहीं है अपने इस्लाम में? इस्तखारा करना भी जायज है अपने इस्लाम में? इस्तखारा करना नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत है वो ना? ठीक है, नबी की सुन्नत है। फिर आप आमिल बने, तो आपके परदादा थे आमिल साहब? नहीं। फिर आप कैसा बने आमिल, मेरे को ये बोलिए आप। कुरान और हदीस को सीखे तो बस आमिल बन जाता, उसे कोई स्पेशल क्लास थोड़ी है उसकी। मेरे को भी बना दो ना जी आमिल, लोगों से लाखों रुपए बनते तो मैं बात है। नहीं नहीं नहीं, बहुत माशाल्लाह, बहुत। चलो फिर अगर आमिल ही बनना है ना आपको, सिंपल काम करो, कुरान को सही से पढ़ो, उसका तर्जुमा समझो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हदीस में क्या बता कर रही हैं। अगर सूरह फातिहा जो नाजिल होकर है उसे असल में सूरह शिफा बोला जाता, क्यों बोला जाता, कुरान की तर्जुमा क्या है, इसकी जो तारीख है कब से शुरू, ये कुछ तारीखें मालूम कर लो, खत्म, बन गया। और एक बात आपसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आजकल आमिला बने बात वो कुंडों में क्या करे, साहब खाना खाए तो उसको पोछ के खा रहे, कुंडों में जाके पैरों में गिर रहे, फूला पिना रहे, ये अपने इस्लाम में है? पैरा कर्म कहीं को गिरते भाई, बाबा ऐसे अल्लाह के कर्मों में गिरो, बाबा के पैरा पड़ रहे, चुम रहे, पपियां ले रही है, इसमें क्या? एक सिंपल सा जवाब दो मुझे आप। ठीक है जी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको मैं जी। दुनिया में हर चीज एक नंबर दो नंबर है? तो बोलो पढ़ो पिए सा, दुनिया को उसकी अच्छी है, बोलो आप। आधे लोग अच्छे आधे बुरे, पूरे बाबाया जो बैठे हुए चमले डाल के, औरतों के दीवाने, कमर की ताबीज, इधर हाथा इधर हाथा लगा के पूरे औरतों को पानी पे फूक रहे, उन्हें गजरा लाओ बोल रहे, उल्लू के बाल, ये सब चल रहा बाबा, मुर्गी लाओ करते 2.5 किलो की, ये सब चूतियां बना रहे लोग बाबा। मेरे को बाबा तो यकीन नहीं हुआ मेरे को। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो मैं बाबा नहीं हूँ, एक बात याद रख लो आप बाबा नहीं है आप। नहीं, फिर आप फेसबुक पे भी ऐड डाले, आपका हैदराबाद में बहुत बड़ा नाम भी हैदराबाद में आपका। मेरा नाम हैदराबाद में? कौन जैसा वो कौन बोल, मैं पहली बात। अरे कई जने आपकी DP पे फोटो लगाए हमारे बाबा को, मेरे को वही बाबा नंबर दिया हैदराबाद के आपके। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, बोल मैं हैदराबाद का हूँ भी नहीं, पहली बात। मालूम है हैदराबाद के नहीं है, आप कहाँ के बाबा? मैं कर्नाटका का हूँ। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, कई बाबाओं को ऐसा हाथ पे लेके मचर दिया मैं, सुने? बहुत खुशी की बात है। एक बात, अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूँ, अब तक आपने जितने बाबाओं को लिया है वो बाबा ही थे शायद, ठीक है, एक सही आदमी को लिए ना अभी तक आप, इसलिए एक बात याद रखिए, आपने मुझे एक मसला बताया था, क्या बताया? 3 तलाक के बारे में। अब याद रखो, 3 तलाक का वैसे भी कानून बड़ा सख्त है, समझ में आया? जी हाँ। और एक बात, जो आपका नाम वाम जो लिखा ना, मैं नाम बोल रहे ना आपके, नाम लिख ले ये लिख ले बोलकर, वो नाम इसलिए लिखा कि आदमी, हर कोई भी आदमी एक मेंटालिटी का नहीं रहता,
हर एक मेंटालिटी का रहता है, याद रखो। वही तो बोले ना भाई, सही बात बोल रहे हैं, पूरी बात सुनिए फिर मैं सुनता हूँ, ठीक है। अलग अलग मेंटालिटी का रहता, अगर मैं वो बंदे को ऐसा बोल दूं, अरे ऐसा है क्या, वैसे एक काम करो, कहां से भी चले जाओ, भाड़ में जाओ, इलाज नहीं, ऐसा बोल दूं तो क्या होता मालूम है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सच में उसका तो वैसा हुआ रहा, तो वो रास्ते से भटक भी सकता, गलत रास्ते भी जाता, इन जैसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाता। सही बात है, सही बात, सही बात। इस तरह से वो बंदे को बात करके सही तरह से समझाने के बाद, अच्छा मैंने आपसे एक वादा किया था, ये वादा करवा याद है, अगर इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अगर आप बच गए हैं तो आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। वो क्यों कहा? क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर वैसा केस होता तो पहली बात तो इतना आसान नहीं रहता बचना, दूसरी बात केस होगा तो इतना आसानी से आप खुला नहीं बात कर सकते मेरे से, ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं एक हाफिज कुरान हूँ मेरे भाई, बाबा बाबा नहीं हूँ, ये गलती थी। अच्छा, हाफिज कुरान है, मैं एक बात मानता हूँ, आप एक वीडियो बनाए, एक बच्चा सलमान बोल के बैठा हुआ है वीडियो में, वो बच्चे से मेरे को नंबर मिला, मैं वो बच्चे का आया था, उसकी वीडियो भी बनाए, कुछ पानिया नहीं छीना करे, ऐसा ग्रुप में पूरे लोगों को जमा करे, देखो आप एक पेज पे वीडियो है आपकी, देखे वीडियो आप, वीडियो बोल क्या बोलिया, फिर ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के आप करना क्या चाह रहे हैं आसिफ, ये बोलिए आप। चलिए इसका भी जवाब देता हूँ आपको मैं। जी हाँ बोलिए। अब समझिए मिसाल के तौर पे, अब एक छोटी, अब चलो आप सोशल वर्कर हैं। जी हाँ। ठीक है, तो आप सोशल वर्कर क्या करेंगे, अगर सोशल में अगर इधर उधर कोई परेशानी है तो आप आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। आवाज नहीं उठाता हूँ बाबा जी, मेरे हैदराबाद में कई रिकॉर्डिंग है मेरे, कई बाबाओं के आप सुने होंगे, आप खोल के सोशल मीडिया पे आप ये बात भी डाल देते, मैं सोशल मीडिया पे आपकी पूरी फोटो के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये ऐसा बना के घर में लोगों को गुमराह करके आप ऐसा वैसा दुनिया का पैसा कमा लिए, आप पूरा चिट्टा है मेरे कने, सुने आप वो सलमान मुल्क के बच्चे को वीडियो बनाया आप, एक मिनट सुनो, मैं बोलता हूँ सुनिए मेरी बात, 27,000 रुपए ले लिए बच्चे से, बच्चे को अफराते वो है ये है बोल के, हाँ पूरा चिट्टा वीडियो बनाया ना घर में बैठ के आप बच्चे के साथ, आप वीडियो आप, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो नहीं बनाए बच्चे की, अरे बच्चे की मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बच्चे की वीडियो क्यों बनाया आप लोग पूरे जने थर के, मेरे पहले भाई मैं था नहीं, वो गलत तरीके से बात, अच्छा एक काम कर, अच्छा कैसा ठीक है, गलत तरीके से बन गया वीडियो वो, नहीं मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत तरीके से बना क्या वीडियो, ये बोलो आप, ये वीडियो कौन बनाएंगे पहली बात तो यार, वीडियो कौन सा है मुझे थोड़ी पता है, आपके पेज पे देखिए आप वीडियो कौसा है, आपके पेज पे देखिए बाबा, पेज का नाम क्या है बोलिए, आपके पेज पे से तो मिला मेरे को नंबर भी मिला, वो बच्चा भी नंबर दिया, मैं पेज पे पूरा डाटा देखा मैं आपका, मेरे प्यारे भाई ये तो बोलो पेज का नाम क्या है, नाम मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को मालूम है आप, हम यहाँ पर मिठे बातें कर रहे, लोगों से 1,000 रुपए लूट रहे, ऐसा नको करो आप, ये पेज पे से जितना भी है डिलीट करो, ये हर चीज हटा दो, आप बोल रहे अपने इस्लाम में नहीं है करने का, आप बाबा है बोल रहे, मैं आलिम हासिल करा बोले तो मैं क्या बोलूँ, आप आलिम है ये है ये सोच चिट्टा, आप बच्चे की वीडियो कहीं तो बनाए भाई, आप पेज का नाम बोलिए, मैं वो पेज का नाम नहीं लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप पे मैं आपको, तो नहीं अभी भेजो, अभी भेजता हूँ, बच्चे का वीडियो कहीं तो बनाया आप लोग का पूरा ग्रुप में बन के सोशल मीडिया पे कहीं तो डाले बच्चे का वीडियो, सुनिए मैं कोई बच्चे का वीडियो नहीं बनाया, अभी आप क्या बोले वो मैं गलती से हो गया, अभी आप बोले ना, अभी आप मुकर जा रहे बात, अभी आप क्या बोले मेरे को, सुनिए मुँह से मुकर गया आप, झूठ ना बोलना बात अधूरी नहीं, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, मैं आप बच्चे का आपके पेज पे पूरी वीडियो है, मैं पूरा चक्कर बच्चा मेरे को पूरा बताया मेरे को, तो नहीं आप ये अपने इस्लाम में है नहीं है कराने का, आप पेज पे क्यों डाले आप ये बोलो आप वीडियो, आप नहीं मुझे इसी एक बात तो साबित हो गई, छोड़ो क्या साबित हो गई, क्या आप सिर्फ बोलते जाएंगे किसी का सुनेंगे नहीं, नहीं नहीं मैं सुन तो नहीं, आप ये ढोंग बंद करो, आप बहुत आप जैसे बाबा मिलके लोग कोशिश करो, आपका सोशल मीडिया पे पूरा डालता हूँ, बच्चे से पैसे लेके करके मेहनत की कमाई है, ठहरो तुम बात करो, कट कहीं करे अपन, मैं थोड़ी कट कर रहा हूँ, आप कट ना करो बात करो, आप लोगों को आमिल आमिला नको करो, आप मैं आमिल बन गया परदादा से बन लेते हुए आमिल उसको बोलते, आप मैं कुरान शरीफ पढ़ के मैं आमिल बन गया बोले तो ऐसा नहीं है, पहले के जायमाने में साहिबा थे अच्छे, आजकल के लोपड़पी है साहिबा, तो नहीं आप मैं बोला मेरी बीवी 3 तलाक का खिल डाली केस, आप बोल रहे अरे भाई बहुत चार्जेस कम है, बोल रहे मेरी कुछ भी नहीं डाली बीवी, आप अजमाने कैसे पूछा, मैं यही आपकी चोरी पकड़े गई, सुने पहली बात तो अरे आपकी चोरी पकड़े गई बाबा, रहने दो आप नको करो, आप अल्लाह का नहीं भी गुनेगार यहाँ भी गुनेगार, आप पूरी आपकी फोटो के साथ सोशल मीडिया पे डाल दो, आपका कितना झूठ बोले कितना सच बोले आप, तो नहीं अल्लाह का ने डरो भाई, यहाँ कहीं को कर रहे आप, अल्लाह का ने गुनेगार है आप, बहुत बड़े आप बहुत बड़े गुनेगार है आप, अल्लाह का ने आखिरत में पूछे आपको,
यकीन मानो आप गलत करे तो नहीं, गलती से आप गलत है। आप झूठ कैसा बोले, मेरी बीवी तीन तलाक डाली बोल के मैं देखा, मैं इस्तेखारा में बोल के कई कुछ झूठ बोले, आप बचना कम है बोल के आप यही चोरी। सुनो यार, पहली बात मेरी आधी मेरी बात सुन के बोल रहे हो, आधी बात नहीं। आप झूठ कैसा बोले मेरे को ये बोलो आप मेरे को, आप क्या बोले झूठ बोले मेरे को, कम है मेरे को, कुछ हो भी सकता नहीं भी हो सकता आपको मालूम नहीं। अगर आप कल सही बाबा रहते थे ना आप, अरे आप झूठ बोल रहे बोलते थे, आप झूठे हैं आप। अच्छा, सुने सुने आप एक नंबर के झूठे हैं, यहाँ भी गुनहगार अल्लाह का भी गुनहगार है आप। सुने ये पूरी दुनिया को आपकी झूठी सच्चाई बताऊंगा मैं पूरी, जो आपकी मर्जी वो। सुने कई को कर रहे थे आप गुनहगार, बच्चों को बीवी बच्चों को खिलाए तो अच्छा मेहनत का पैसा खिलाओ, ऐसा लोपा डोपी करके खिलाते आप, यहाँ भी गुनहगार वहाँ भी गुनहगार। अल्लाह ने आखिरत में तुम्हारी पूछे दफा वसकुल्लाह लजीना आलमी।